नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम अपूर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ऑटो पैशन इंडिया। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहतरीन पिकअप की। अच्छा, पिकअप का नाम सुनते ही भारत में सबसे पहले किसका नाम आपके दिमाग में आता है? हम दोनों एक ही ट्रैक पर हैं। जी हाँ, हम टाटा की बात कर रहे हैं। टाटा के पास बेहतरीन रेंज है कमर्शियल पिकअप्स की। छोटे पिकअप्स हैं, बड़े पिकअप्स हैं, बड़े कमर्शियल व्हीकल्स हैं, छोटे कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो चाहिए उनके पास आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको MGS ऑटो फैब पे भी आना पड़ेगा। जी हाँ, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ। अगर आप कहीं पे भी हो लखनऊ के आसपास या उनके आसपास के सिटीज़ में हो, तो MGS ऑटो फैब का आपको शोरूम ज़रूर मिल जाएगा। बाकी शोरूम की डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ वहाँ ज़रूर जाके उसे चेकआउट करिएगा। वहाँ पे आपको नंबर भी मिलेगा, फ़ोन करिए, उनको डिस्टर्ब कीजिए। किसी भी कमर्शियल व्हीकल की आपको ज़रूरत हो अपने बिज़नेस के लिए, अपने किसी भी कारोबार के लिए, तो आप उसको वहाँ से पूछ सकते हैं। सारी इंक्वायरी आपकी सॉल्व होगी। और आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा इंट्रा V50 की। जी हाँ, गाड़ी हमारे सामने खड़ी है, आप देख सकते हो ग्रे कलर में। बहुत ही बेहतरीन लग रही है, बहुत ही अच्छा कलर ये लग रहा है। ग्रे कहेंगे कि सिल्वर कहेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इधर देखो तो डार्क लग रहा है, ग्रे है। बाकी फ्रंट में आपको सिल्वर, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला ये कलर है। बहुत ही आजकल सिल्वर भी थोड़े से ब्लूइश टोन पे हो गए हैं, तो कलर अच्छा लग रहा है, गंदा नहीं होगा जल्दी। फ्रंट में चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे टाटा का लोगो मिल जाता है पैनो ब्लैक फिनिश में, क्रोम का भी फिनिश मिल जाता है। काफ़ी चंकी क्लैडिंग फ्रंट में दी हुई है। इंट्रा पिकअप की बैजिंग यहाँ मिल जाती है फ्रंट में, और V50 की मिल जाती है। बड़ी हेडलाइट्स मिल जाती हैं, टर्न इंडिकेटर्स है, बल्ब बेड्स पूरा इसका सेटअप मिल जाता है। लाइट्स का फ्रंट में आपको डुअल टोन में इसका बम्पर और ग्रिल आपको फिनिश मिल जाएगी। आपको सिल्वर एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया है। फॉग लैंप्स की इसमें जगह मिल जाती है। लाइसेंस नंबर प्लेट है फ्रंट में। बड़ा सा आपको ग्लास भी मिल जाता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। वाइपर्स की भी क्वालिटी अच्छी है, बड़े वाइपर्स आपको मिल जाते हैं। और चढ़ने के लिए यहाँ पे आपको देख सकते हो ग्रैब हैंडल्स दोनों तरफ मिल जाते हैं, क्योंकि गाड़ी ऊंची है भाई। ग्रेडिबिलिटी आपको इसमें 37% की मिल जाती है। 192 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आपको फुटस्टेप मिलता है क्योंकि गाड़ी ऊंची है। और 15 इंच का टायर साइज मिलता है। टायर साइज एक बार आपको बता दूं मैं आपको, 215/75 R15 की आपको टायर साइज मिलेगा। और यहाँ पे फेंडर आपको यहाँ पे फाइबर फिनिश आपको मिलता है। यहाँ पे साइड में इंडिकेटर दिया है एंड ब्लैकड आउट में इसका डोर हैंडल दिया हुआ है बड़े से। इसमें आपको ORVM मिल जाते हैं, जो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। चलिए इसके डायमेंशन की जल्दी से बात कर लेते हैं। 4.7 मीटर की इसकी फुल लेंथ आपको मिलती है, और इसकी चौड़ाई आपको 1.6 मीटर की मिलती है। और इसकी जो ऊंचाई है आपको, आप देख सकते हैं, यह आपको 2 मीटर की मिलती है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। एंड यहाँ पे पीछे इसकी पेलोड कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 50 का मतलब है 1500 किलो का पेलोड कैपेसिटी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन इसके फ्रंट और रेयर दोनों में ही आपको मिल जाते हैं। पीछे आपको 10 लेवल्स का लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेगा। और फ्रंट में इसमें आपको टू लीफ स्प्रिंग्स मिल जाते हैं सस्पेंशन में, दो ही दिए हुए हैं फ्रंट में, तो ये भी अच्छी चीज़ है। फ्रंट और रिवर्स इसमें आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। अभी मैं पीछे चलूँगा तो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसके इंजन की बात कर लेते हैं। डीजल इंजन इसमें मिलता है 1.5 लीटर का, जो काफ़ी ज़्यादा कम आवाज़ प्रोड्यूस करता है। और ये इंटरकूल्ड इंजन है, तो इसमें कूलिंग भी अच्छे से दी हुई है। और इसके अगर फ्यूल टैंक की मैं बात करूँ तो आपको 35 लीटर्स का मिल जाता है। एंड यहाँ पे भी फेंडर आपको सब फाइबर फिनिश दिए हुए हैं। यहाँ पे इसका डीजल कैप मिल जाता है, और माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन निकालता है। पीछे आपको स्पेयर व्हील नीचे की तरफ मिल जाता है, पीछे पार्किंग सेंसर है। मैं इंजन की पावर की आपको बताना भूल गया। यहाँ पे इंजन में पावर आपको 80 HP का मिलता है, और टॉर्क इसमें 220 Nm के आसपास का मिल जाता है, वो भी 1750 से 2000 RPM पे। और जो टॉप पावर है 80 HP की, वो आपको अराउंड 4000 RPM पे मिल जाती है। पीछे भी इंट्रा पिकअप लिखा हुआ है एंड यहाँ पे टाटा का लोगो है। बड़ा सा इसका साइज आपको मिल जाता है। एंड पीछे से पूरी लाइट वाइट देख लीजिए, सब आपको बल्ब BSD मिलेगी। तो कम बहुत ही अच्छा काम किया है टाटा ने यहाँ पे। एंड इसके अगर हम प्राइसेस की बात करें तो 9.73 लाख से ये स्टार्ट हो जाती है, और 9.9 लाख तक जाती है। इसमें AC नॉन AC दोनों ही आपको मिल जाएंगे केबिन, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलिए जल्दी से केबिन स्पेस पे एक बार जगह देख लेते हैं कि कैसी मिलती है हमें। एंड यहाँ पे फुल ब्लैकड आउट में दिया है, हाथ से आप इसको घुमा सकते हैं। एंड यहाँ से ब्लैकड आउट में लीवर दिया है, इको मोड इसमें दिया हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छी और स्मार्ट चीज़ है। अगर आप पीछे पे लोड नहीं लेके चल रहे हैं तो आप इको मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे और भी बेहतरीन माइलेज मिलेगा। एंड चाबी से चलती है, दो इसमें चाबियाँ मिल जाती हैं। एंड डिजिटल इसका आपको
यहाँ पे फुल कंसोल मिल जाएगा, एंड यहाँ पे मेरे ख्याल से गियर इंडिकेटर भी दिखाता है, फ्यूल लेवल दिखा रहा है और इंजन टेम्परेचर गेज दिखा रहा है। बाकी स्पीडोमीटर आपको फुल डिजिटल मिल जाता है इसमें। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, केबिन एसी नॉन एसी दोनों आता है। पीछे भी छोटी सी जगह है, आपको पीछे टूल किट यहाँ पे मिल जाती है। बाकी इजी एक्सेस आपको मिल जाता है, दोनों तरफ से भी लोग उतर सकते हैं और चढ़ सकते हैं, तो बीच का पूरा आपको स्पेस काफ़ी अच्छे से मिलता है। यहाँ पे क्लच ब्रेक एंड एक्सेलेटर नीचे मिल जाता है। गियर शिफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी है, 5+1 है, मतलब 5 फ्रंट का और 1 पीछे का। और ऊपर केबिन आपको लाइट मिल जाएगी और नॉर्मल आपको IRVM इसमें मिल जाता है। बड़ी सी स्पेस यहाँ फ्रंट में आपको स्टोरेज मिल जाएगी और नीचे यहाँ लॉक सिस्टम भी आपको मिल जाता है। तो अच्छा इंटीरियर लग रहा है ब्लैक आउट में फुल, एंड यहाँ पे बेज का काम किया हुआ है, तो ये भी एक अच्छा इनपुट दिया हुआ है। बाकी टायर प्रेशर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वो करवा सकते हो। बाकी आवाज़ अच्छी है, रोबस्ट है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। इसमें सिर्फ मेरे ख्याल से 6 मीटर का ही इसका टर्निंग रेडियस आपको मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और मैं प्राइसेस की जैसे बात कर रहा था, 9.73 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है और 9.9 लाख रुपीज़ तक जाती है। और यहीं ऑन रोड प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 10.37 लाख रुपीज़ तक से शुरू होता है और 3.65 लाख या 6-7 लाख रुपीज़ तक ही ये ख़त्म हो जाता है इसका। जो बस एसी और नॉन एसी सिर्फ 2 ही वर्जन इसमें आते हैं, बाकी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आपका किसी भी तरह का काम हो, आपका इलेक्ट्रिकल गुड्स का हो, ग्रेन्स का हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, तो हर जगह ये गाड़ी जा सकती है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बेहतरीन इसमें दिया हुआ है, हैवी ड्यूटी इसमें सब कुछ आपको मिल जाता है, रोबस्ट इसकी पूरी एक बिल्ड क्वालिटी आपको मिलेगी। तो टाटा का गाड़ी है तो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाकी ऊपर एंटीना की भी जगह दी हुई है, और इसके अलावा मेरे ख्याल से इस गाड़ी में बताने लायक कुछ भी नहीं है। तो मार्केट में जितने भी इसके कॉम्पिटिटर हैं उन सबसे आपको एक टाटा की तो एक रिलायबिलिटी आपको मिल जाती है, 2 साल और 72,000 किलोमीटर का इसका आपको पूरा गाड़ी पे वारंटी मिलती है, एंड सर्विस कॉस्ट भी इसकी काफ़ी ज़्यादा लो रहने वाली है। तो ये सब कुछ आपको इंट्रा V50 में मिलने वाला है। एंड चलिए आप बताइए आप इस गाड़ी के बारे में क्या सोचते हो, एंड बड़ी इसमें साइड में विंडोज़ भी मिल जाती हैं, तो आप इसके अपने हिसाब से इस गाड़ी को, इस डाले को पूरी तरह मॉडिफाई कर सकते हो, जिस तरह भी आपको उसको यूज़ करना। पूरा पीछे क्लोज्ड अगर आपको लोड ले जाना हो तो उसको रख सकते हो, क्योंकि बारिश के मौसम अगर आपके यहाँ ज़्यादा होते हैं तो ये ज़्यादा काम आएगा। बाकी ओवरऑल लेंथ इसके पीछे लोडिंग की मैं एक बार आपको बता देता हूँ, लंबाई पीछे लोड बॉडी की आपको मिल जाती है 8.9 फिट की, और जो आपको चौड़ाई मिलेगी वो 5.3 फीट की मिलेगी, और जो ऊंचाई आपको मिलेगी वो 1.3 फीट की मिलेगी। इसके ऊपर आप फुल बॉडी भी इसके ऊपर आप पूरा कवर अप करा सकते हो, तो ये सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो लखनऊ या लखनऊ के आसपास हैं तो MGS ऑटो फैब पे ज़रूर आप कॉन्टैक्ट करें, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। सिर्फ 55,000 रुपये डाउन पेमेंट दे के ये गाड़ी आप अपने घर ले जा सकते हो, बाकी 90% से 95% तक इसकी लोनिंग यहाँ पे हो जाएगी, आपको कहीं पे भी नहीं जाना पड़ेगा। सेम डे से 24 से 48 घंटे में इसकी लोनिंग हो जाती है, तो यहाँ पे बहुत ही हैसल फ्री सर्विसेज यहाँ मिलती हैं आपको। तो आप प्लीज़ MGS ऑटो फैब से ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा इस पर्टिकुलर व्हीकल के लिए या किसी भी टाटा कमर्शियल व्हीकल के लिए, वो आपकी हेल्प आउट ज़रूर करेंगे, छोटा हो या बड़ा ये आपके साथ ज़रूर देंगे। एंड इसके अलावा मेरी कोई ज़रूरत हो तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कम्युनिकेट करिए, एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जिनको भी ऐसी गाड़ियों की ज़रूरत है, ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है, प्लीज़ उनकी मदद करिए और मेरी मदद भी करिए मेरे वीडियोस देख के, और जो आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ। 2 व्हीलर चला रहे हो तो हेलमेट पहनो, एंड 4 व्हीलर चला रहे हो तो सीट बेल्ट लगाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।